कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है तो हम बना रहे हैं, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, पहले इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, और क्लास जब लिखेंगे तो सेक्शन भी लिख लेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन, वी ऑल लव एनिमल्स, यानी कि प्यारे बच्चों, हम सब लोग जानवरों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जस्ट लाइक अस। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट नॉट हर्ट एनिमल, ठीक है? यानी वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? वी शुड हेल्प एंड प्रोटेक्ट देम, हमें उनकी मदद करना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कम लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स टूडे, चलिए आइए आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, किसके बारे में? जानवरों के बारे में। रीड अलाउड द स्टोरी गिवन लो, इस जो नीचे आपको स्टोरी दी गई है इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, एंड अंडरलाइन द नेम ऑफ द एनिमल्स, और जहाँ पे भी जानवरों के नाम आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने का मतलब समझते ना, इस तरह से लाइन खींचना उसके नीचे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, ये देखिए। वन डे द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, एक दिन सूरज आसमान पर चमक रहा था। अ कैट, एक बिल्ली, एंड अ डॉग, तो डॉग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कैट के नीचे की हुई है, आप डॉग के नीचे कर लीजिए। एंड अ डॉग वर स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक बिल्ली और एक कुत्ता पेड़ के नीचे सो रहे थे। अ काउ, तो देखिए काउ भी एनिमल है तो इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक गाय वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और गाय जो है वो मैदान में चर रही थी। एंड अ पिग, अ पिग भी एनिमल है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। वॉज रनिंग अराउंड, और पिग जो है वो चारों तरफ दौड़ा भागी कर रहा था। सडनली, अचानक से, ऑल द एनिमल्स सॉ अ टाइगर, सारे जानवरों ने चीते को देखा। तो अब टाइगर भी एनिमल है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखिए हमारा भी कितने एनिमल आ गए, कैट, डॉग, काउ, पिग एंड टाइगर, सबने टाइगर को देखा। हेल्प, सब चीखे हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। द क्राई, द कैट हिड इनसाइड द टेंट, जो कैट थी वो जाके टेंट के अंदर छिप गई। द पिग वेंट इनटू इट्स स्टेप, पिग जो है अपने घर के पीछे जाके छुप गया जो उसका घर था। द टाइगर हु वॉज वेरी थर्स्टी, जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। जम्प्ड, कूदा इनटू अ नियर बाय वाटर टैंक, जो बराबर में वाटर का टैंक था उसके अंदर टाइगर कूद गया। इट हैड कम ओनली टू ड्रिंक वाटर, वो सिर्फ यहाँ पर पानी पीने आया था। अब जानवरों को लगा, आप सब जानते हैं ना कि टाइगर जो है ये सारे जानवरों को मार देता है ना, तो ये बिल्ली, कुत्ता, गाय, इन सबको ये लगा कि कहीं ये हमें ही तो मारने नहीं आ रहा है, इसीलिए वो सब जल्दी जल्दी भाग के छुप गए। लेकिन टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीने आया था। सो इट ड्रंक वाटर, उसने पानी पिया, एंड रन अवे इनटू द फॉरेस्ट, और वो वापस से फॉरेस्ट में यानी जंगल में वापस चला गया पानी पीकर, ठीक है? तो अब देखिए आपको कहानी पसंद आई ना, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल यू हैव अंडरलाइन इन द स्टोरी अबव इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब बोलते हैं, आपने स्टोरी में जो जानवरों के नामों को अंडरलाइन किया था, जो ऊपर स्टोरी में आया है, अब आप उनको क्या करना है, उन नामों को आपको इन बॉक्सेस में लिखना है, ठीक है? प्रैक्टिस राइटिंग द नेम ऑफ दीज एनिमल अगेन इन योर नोटबुक, और इसके बाद फिर आपको उसको एक बार फिर से अपने नोटबुक के अंदर भी लिखना है। तो चलिए, हमें वैसे तो पता है कि हमने कौन कौन देखे, कैट, डॉग, पिग, काउ एंड टाइगर, है ना? तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कैट, डॉग, काउ, पिग एंड टाइगर, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट एनिमल इन योर नोटबुक, शेयर इट विद योर टीचर्स। अब बोलते हैं कि आप अपने फेवरेट जानवर का, जो भी आपका फेवरेट जानवर है उसको बनाना है
और उसके बाद नोटबुक में बनाकर उसे कलर करना है और फिर अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दो जानवर की पिक्चर्स दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो उसमें से बना लीजिएगा, नहीं तो जो आपका फेवरेट हो आप वो बना लेंगे। चलिए इसके बाद वीडियो को फ्रेश करेंगे। तो देखिए, आप ऐसे करके डॉग को बना सकते हैं, या मैंने आपके लिए एक डॉग दिखाया है कि अगर आप चाहें तो इस डॉग को बना लें, नहीं तो आप यहाँ पर ये प्यारी प्यारी सी कैट है इसको बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद आया वो बना लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।